मेरा नाम रवि कांत प्रसाद है। ओके सर, मैं छपरा बिहार से आया। छपरा से? ओके सर, आज से 3 साल पहले स्टूल पास करने टाइफाइड हुआ था सर, दरअसल तो उस समय सर थोड़ा सा स्टूल पास करने में दिक्कत हुई, तो मैंने अपने घर वालों को बताया, तो उन्होंने बोला कि पाइल्स होगा इसलिए थोड़ा बहुत ब्लीडिंग आ रहा है। ठीक है, तो उसको मैंने लैक्सेटिव खा खा के 1-2 साल तक चलाया। फिर जब तब दर्द भी रहता था, ब्लीडिंग होता था, मतलब सर स्टूल पास करने के समय थोड़ा सा ब्लीडिंग होता था एकदम माइनर सा, उसके बाद ठीक हो जाता था आधे घंटे बाद। फिर सर मैंने 2 साल तक ऐसे देखा, फिर मुझे लगा कि पाइल्स एक बार मिल लेना चाहिए डॉक्टर से, तो मैं एक डॉक्टर के पास गया, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के पास जी। तो उन्होंने कहा कि सिग्मोइडोस्कोपी करके हम चेक कर लेते हैं। पाइल्स तो नीचे होता है, तो सिग्मोइड तो ऊपर चले गए। तो उन्होंने बोला कि ऊपर से भी खून आ सकता है, जबकि मैंने बताया कि सर मुझे लोअर पोर्शन में दर्द, नीचे से देख रहा है तो हमें ऊपर जाके क्या करना है। तो उन्होंने सिग्मोइडोस्कोपी किया और मुझे एक पेट फाइबर नाम की कोई ये दे दिया दवाई और एक एनोब्लिस दे दिया, बोले 3 महीना खाओ ठीक हो जाएगा। मैंने पूरी 3 महीना दवाई खाई, कोई ठीक नहीं हुआ। फिर मैं उनके पास गया तो मैंने उनसे सर्जरी के बारे में पूछा, तो बोले कि सर्जरी तो होती है लेकिन अभी तुम्हारे केस में जरूरत नहीं है। फिर मैं वहाँ से चला गया। सर्जन थे? और अंदर फटा हुआ होता है तो घिसने के कारण कई बार दर्द और पेन ब्लड बढ़ भी जाता है। फिर मैं सर उसके बाद तकरीबन 7-8 सर्जन से मिला पटना में जी। सर सबके पास जाते थे, हमको कोई लैक्सेटिव, कोई क्रेमाफिन, कोई बहुत सारा लैक्सेटिव देते थे अलग अलग ब्रांड के, और बोलते थे कि जाओ 3 महीना में ठीक हो जाएगा। और सर्जरी के लिए एक डॉक्टर के पास गए सर्जरी के लिए, बोले हाँ तो उम्र 25 साल है, तुमको इस उम्र में कैसे हो सकता है। हमको डरा दिए पूरा। और फिर जब सर्जरी के लिए, मतलब हम फिर भी सर हम सर्जरी करवाना चाहते हैं क्योंकि तकलीफ बहुत पड़ गया था, तो मतलब बोले कि ठीक है हम देखते हैं और दे दिए सर्जरी। तो कई बार 6 महीने के बच्चे भी आ जाते हैं हमारे पास, उनका भी ऑपरेशन जरूरी होता है तो करने पड़ता है। कई बार 4 साल के 6 साल के बच्चे फिस्टुला बढ़ जाता है और कोई ऑप्शन नहीं होती तो करना पड़ता है। तो ऐसा क्या है, 25 साल तो अच्छी एज है, अदर उस टाइम पे तो मैक्सिमम फिटनेस है कि कोई भी ऑपरेशन करेंगे कोई जोखिम नहीं है, फटाफट हील हो जाएगा। पता नहीं सर, मतलब उन्होंने ऐसा मतलब बताया ना कि सर मैं डर गया। उसके बाद सर मैं एम्स गया था, एम्स में भी वही सर स्थिति, जाते थे क्रेमाफिन देते थे, बोलते थे 1 महीना बाद आप। सर तंग हार के सर मैंने, मतलब जिस जिला में मेरा घर है वहाँ एक डॉक्टर था, मतलब लोकल डॉक्टर, बंगाली डॉक्टर था, तो मेरे गांव के अगल बगल के लोग मतलब उससे काफ़ी सारे ठीक हो चुके थे। कोई पाइल्स का पेशेंट था, फिस्टुला कोई ठीक नहीं हुआ था, फिस्टुला उसमें पता भी नहीं था क्या होता है। मैं इतना मतलब सर एंजाइटी में और तंग आकर मैंने जाकर से उससे इंजेक्शन ले लिया। उसने एक कोई इंजेक्शन लगाया, कोई एनेस्थीसिया देके, कोई दर्द नहीं हुआ। और सर 3 दिन तक उस पोर्शन में स्टिफनेस रहा, पूरा टाइट हो गया था पोर्शन, और धीरे धीरे वो पोर्शन सर गल के निकल गया पानी की तरह, और मतलब उसका ब्लैक ब्लैक कलर का स्किन आता था और बहुत बदबू दे रहा था। उसके बाद जब पूरा पोर्शन 10-15 दिन में साफ हो गया, तो बोला कि हम एंटीबायोटिक चलाएंगे और वो हील हो जाएगा। 1-1.5 महीना सर एंटीबायोटिक खाए, हील भी हो रहा था ठीक ठाक से। फिर अचानक से सर हैवीनेस लगने लगा हमको, तो हम उससे बोले, तो वो जब जाते थे तब प्रोक्टोस्कोप से चेक करता था, हाथ से चेक करता था, कहता कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको बोला तुम डिप्रेशन में चले गए हो, एंजाइटी में हो, तुम बोले कि तुम साइकोथेरेपिस्ट के पास जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई ये नहीं है। फिर सर हम थक हार गए थे और मार्च तब तक आ गया था सर। नवंबर में मैंने इंजेक्शन लिया था और ठीक होते होते मुझे फरवरी तक लग गया था, और मार्च आ गया था। मार्च के बाद सर लॉकडाउन हो गया। उसके बाद सर आपको एक बार कॉल किए थे जी, फिर यहाँ आया। अभी ट्रीटमेंट किया तो कैसा लग रहा है? सर ट्रीटमेंट से पहले तो सर काफ़ी सर एंजाइटी था यहाँ भी। अच्छा, डर बहुत था क्योंकि सर बहुत हम रूरल बैकग्राउंड से आते हैं। ओके, और बहुत दूर से आए थे, तो मतलब था कि हम चल फिर पाएंगे कि नहीं। अकेले आया था, साथ में आया था कोई? एक मेरा फ्रेंड आया था। ओके, हम तो अकेले आना चाहते थे लेकिन घर वालों ने एक को ले जाओ कैसे। तो फिर उसी दिन आए, एडमिट हुए, सर्जरी हुई, और सर्जरी के सर 2 घंटे बाद सर मैं बैठ सकता था। उसके बाद अगले दिन डिस्चार्ज हो गया। फिर अगले दिन मैं शाम को ही ट्रेन पकड़ के घर चला गया। कितने घंटे का आपका? 16 घंटा। 16 घंटे ट्रेन में आप अगले दिन ही चले गए? हाँ, और सुबह ट्रेन उतर गया। उसके बाद सर 1 महीना तो सर ऐसा बीता है कि मतलब सुकून से हम सर सो पाए। ओके, तो पिछले 3 साल से
अब जाके हाँ थोड़ा सर, पिछला साल तो सर मतलब इतना बेकार गया है कि ना पेट भर खा पाते थे ना सो पाते थे। जब सुबह उठते थे तो इसी के बारे में सोचते थे। इस बार एक महीना कैसे पता, मतलब कैसे बीत गया हमको पता भी नहीं चला कि दिल्ली जाना है फिर हमको। और दिवाली आराम से मना पाए अच्छे से अपना, इस बार अच्छा हाँ लगा होगा, हाँ मूड भी अच्छा रह रहा होगा, क्योंकि हाँ पहले तो हर टाइम चिड़चिड़ापन टेंशन दिमाग में यही चीज़ घूमती होगी, गुस्सा आता था सर हमको बहुत बहुत गुस्सा ज़्यादा, आता और एक तो पढ़ाई का प्रेशर था जी। अब वो पब्लिक। सब चीज़ें खत्म, वेरी हाँ सर उसके गुड, लग रहा है कि फिर से ज़िंदगी नॉर्मल आ गई है ट्रैक पे। हाँ सर एग्ज़ाम भी देना है सर पब्लिक सर्विस कमीशन का सर, इस बार दिसंबर में प्रिपरेशन। एक महीने में सर अच्छा खासा हम पढ़े हुए हैं, 7-7 घंटा तक पढ़े हुए हैं सर। जब वहाँ से चले थे उस टाइम पे कई लोग गाइड करते हैं, कोई मिसगाइड वाले भी बहुत होते हैं कि कहाँ जा रहे हो कैसे होगा, ऐसे वाले भी मिले आपको मना करने सर मैंने वाले? किसी को बताया ही नहीं था, सिर्फ अपनी मम्मी को बताया था, मम्मी पापा से बताई, पापा थोड़ा बहुत बोले कि दिल्ली जाना है उतना अकेले के सजा वो ये वो थोड़ा नॉर्मल बहुत। है, एंग्जाइटी इज नॉर्मल, हाँ सर एक होती है एंग्जाइटी, और एक होता है झूठ फैलाना या डर बैठाना कि नहीं नहीं वहाँ तो ये हो जाएगा, क्योंकि बहुत लोग दिल्ली के नाम से डरते भी हैं, कॉमन चीज़ सर है। मेरे ही गांव में सर जब कोई एकदम आखिरी स्टेज पे होता है तो उसको पटना ले आ जाता है, तो दिल्ली तो बहुत दूर की बात है। ओके, वहां से उधर पटना में नहीं जाते भाई। हाँ पटना के तो सर आखिरी स्टेज में ले जाया जाता है कि जब कोई नहीं तो वहाँ का वहाँ आना था। तो सर मैंने किसी को बताया ही नहीं था, पापा को बताया क्योंकि पापा को पैसा देना था और किसी को नहीं पता, इसी वजह से सर नहीं बताया था कि लोग बोलेंगे कि तुमको इतना छोटा सा प्रॉब्लम है तुम दिल्ली जा रहे हो ये जा रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम सर हमको था 1 साल से सर हम मतलब। यही चीज है प्रॉब्लम, आप सफर कर रहे हो, आजू बाजू वालों को तो पता नहीं है, उनको सिर्फ सलाह है, और वो भी पॉजिटिव की जगह नेगेटिव बोलने में उनको मज़ा आता है, ये नहीं देखेंगे कि कहाँ ये ठीक हो रहा है, ये ठीक होना इसका इम्पोर्टेंट है, इसकी लाइफ रुकी हुई है, सफ़र तो आप कर रहे हो, पेन आपको है, डिस्कम्फर्ट आपको है, वो चौथे बंदे को तो पता ही नहीं है। कई बार दिस इट इज़ वन हुज पेशेंट इज सफरिंग, और उसके साथ वाले उसका मतलब जो भी है उन्हें अपनी इंटरप्रटेशन अपनी कहानियाँ करते रहेंगे विदाउट रियलाइजिंग कि क्या प्रॉब्लम है, कितनी सिवेरिटी है। फिस्टुला को सोचेंगे कुछ नहीं, फिस्टुला कुछ नहीं कभी हो ही नहीं सकता, फिस्टुला को नासूर बोलते थे पहले कि ज़िंदगी में कुछ भी कर लो ठीक नहीं होगा, आज की डेट में कोई नासूर नहीं रहा, हर फिस्टुला ठीक होता है, अब हम सिर्फ नासूर कैंसर को ही बोलते हैं, कैंसर भी क्योरेबल होता है अगर टाइम पे आ जाए, और फिस्टुला तो टाइम पे हो तो 100% क्योरेबल है, कोई ना ठीक होने की बात ही नहीं। हाँ अगर आप बिल्कुल ही गला के आ जाओ वो अलग बात है, बट अदरवाइज टाइम पे आओ, अगर आपने कैंसर में कन्वर्ट नहीं किया ठीक तो वो होना है। सर इसीलिए सर आपसे पहली बार मिले थे उसके हम 1 महीना के आपसे बोले भी थे सर कि हम प्लान करके तो आए नहीं हैं, 1 महीना हमको समय चाहिए और 1 महीना बाद हम आए। तो सर हमको बहुत मतलब एक्सट्रीम लेवल का एंजाइटी हुआ था, खाना नहीं खा पाते थे, पसीना आता था सर हमको ठंडी में, मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल का। खाने से डर लगता था? हाँ सर डर लगता था कि स्टूल हार्ट हो जाएगा, और उसने बोला था डॉक्टर कि स्टूल हार्ट होगा तो कभी ठीक नहीं होगा, और कितना भी मैंने सर मैं अरे अब हार्ड हुआ स्टूल तो कुछ हुआ इस कुछ बार, नहीं हुआ कुछ सर। भी नहीं, मैं ऐसा सर भी इस हो बार सर ना मैंने पेन किलर लिया, एक कोई दवाई था वोवेरियन डी करके, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे, और ना लेक्सेटिव की एक दिन की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ लेक्सेटिव ले गए थे सर लेकिन यूज नहीं किया। चलो बहुत बढ़िया, कोई आपसे जानकारी लेना चाहता हो समझना चाहता हो तो आपका नंबर शेयर कर सकते हैं, जी सर बता दीजिए प्लीज। मेरा नंबर है 9135617302। ठीक है, कुछ कोई ज़रूरी होगा तो ऐसे तो नहीं करेंगे, बट अगर कोई किसी को जनरल क्वेरी होगी तो कोशिश करना है आंसर जी कर सर पाए। थैंक यू।